हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। मायसेल्फ विशाल सिन्हा और आप मुझे विशाल सर भी बुला सकते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, जो कि क्लास 12 स्टूडेंट्स को के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस को देखते हुए बनाया गया है। कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प इससे मिलने वाली है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिस चैप्टर पर, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, जब पहला क्वेश्चन है वो माइंड में आता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। आपके टॉपिक देखिए दिया गया है कि रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दोज प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिजम्स, दोज प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिजम्स कैन बर्थ देयर यंग वंस, वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बच्चे को जन्म देता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं। यहां पर देखिए कह रहा है, दोज प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इसका मतलब हो गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब प्रोसेस के द्वारा, है ना, रिप्रोडक्शन के द्वारा किसी अपने जैसे नए बच्चे को जन्म देता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ना सेकेंड क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारे मन में कि आखिर रिप्रोडक्शन का नीड क्या है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है कि रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर जनरेशन। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जनरेशन को मेंटेन रख सके, अपनी पीढ़ी को मेंटेन रख सके, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा का पूरा। इसको आराम से आप पाउज कर करके नोट्स बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब हम लोग आते हैं कि हमें पता चल गया कि सर रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। दूसरी बात है कि रिप्रोडक्शन होते कितने तरह के हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के हैं, है ना, ध्यान रखना है हम लोगों को, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें कौन कौन आते हैं उनके बारे में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इसको खत्म करने के बाद आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इस पर भी आएंगे जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहता है। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स आर नेसेसरी, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दो पेरेंट्स के मिलन के बाद गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स के मिलने से बच्चे का जन्म होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोज प्रोसेस इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड ऑल्सो
द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जहाँ पे गैमेट्स की भी फॉर्मेशन होती है और दो पेरेंट्स होते हैं, वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं सेक्स ऑर्गेन पे। सेक्स ऑर्गेन क्या होता है, देखिएगा ये पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। सेक्स ऑर्गेन तीन तरह के हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गेन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एसेसरी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एसेसरी? एसेसरी का मतलब होता है सहायक या मदद। देखिए थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है तो आप इसको देख लीजिएगा, मदद, सहायक या मदद। तो कह रहा है एसेसरी का मतलब हो गया सहायक, जो मदद करता हो। किस सेंस में है अभी हम वहां आएंगे तो देखेंगे, देखते हैं आप फिलहाल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन का मतलब क्या हो गया, कहता है वैसा ऑर्गेन जो स्पर्म को बनने में हेल्प करे, दोज ऑर्गेन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। याद रखिएगा स्पर्म को बनने में जो मदद करेगा वैसे ऑर्गेन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, ठीक है। अब कहता है तो भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन हुआ कौन, तो स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म बनता है टेस्टिस में, ठीक है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, टेस्टिस में, इसीलिए हम लोग टेस्टिस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, ठीक है। देखिए तो यहां से क्लियर हो गया, ये टेस्टिस का आपका डायग्राम यहां पे दिया गया है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसीलिए हम लोग टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, ध्यान दीजिएगा कहता है क्या कि स्पर्म तो हमारा बन गया, तो जिसमें स्पर्म बना उसको हम लोग बोले प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, ठीक है। अब स्पर्म बनने के बाद स्पर्म जिस रास्ते पे चलेगा, जिस पाइप में वो बहेगा, जिस पाइप में वो चलेगा, उस पाइप को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन, ठीक है। तो दोज डक्ट और पाइप विच कैरी स्पर्म, जो स्पर्म को कैरी करेगा, स्पर्म को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उस ट्रैक को, उस रास्ते को, उस पाइप को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गेन। एग्जाम्पल हो गया आपका वास डिफरेंस, इपिडिडाइमस, है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स, और भी आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। दूसरा है एसेसरी सेक्स ऑर्गेन, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे जस्ट आगे, अभी तुरंत देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। एसेसरी सेक्स ऑर्गेन, अब देखिए एसेसरी का मतलब हो गया मदद करने वाला, जो हेल्प करता हो, है ना। किस तरह से हेल्प करता हो भाई, तो स्पर्म को ताकत देता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोग ऐसे सेक्स ऑर्गेन को बोलते हैं क्या, एसेसरी, सहायक या मदद करने वाला। तो कह रहा है कि दोज ऑर्गेन विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ध्यान रखेंगे, कहता है वैसा ऑर्गेन जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को ताकत प्रोवाइड करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गेन। एग्जाम्पल आपका हो गया सेमिनल वेसाइकल पहला, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गेन, मतलब ये तीनों जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, क्लियर है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से देखना है, ये सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पे आते हैं, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कहता है रिप्रोडक्शन के आधार पे, क्योंकि एक्चुअली रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, तो रिप्रोडक्शन के आधार पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, है ना। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल एंड फीमेल, देयर आर टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मेल पे, और मेल के बाद करेंगे किस पे, फीमेल पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है वो आज ही पूरा क्लियर कर लेंगे, और जो फीमेल वाला है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है, जो कि आपका परसों जो तैयार हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखते हैं ध्यान से, आप एकदम ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले
हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्क्रॉटम है ना, ये स्क्रॉटम है। स्क्रॉटम का काम क्या होता है, पहला नंबर में स्क्रॉटम देखते हैं, स्क्रॉटम का क्या काम है। स्क्रॉटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा है, इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कैरी टेस्टिस। कह रहा है स्क्रॉटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैले के जैसे होते हैं, और जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो स्क्रॉटम है वो बस सिंगल होगा, एक ही स्क्रॉटम एक मेल में पाया जाएगा, एक स्क्रॉटम हो गया। स्क्रॉटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर टेस्टिस होगी। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसका, स्क्रॉटम का। ये स्क्रॉटम, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा है ना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आगे क्वेश्चन सारा का सारा कड़ा रखा है। देखिए, तो पहला चीज पता चल गया, दूसरा क्या है इसका फंक्शन। स्क्रॉटम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। स्क्रॉटम का क्या फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होता है, कॉन्स्टेंट रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दिया गया है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग जब बाहर जाते हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, उस वक्त हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। देखिए, बिलो 2 बॉडी टेम्परेचर, यहां के बाद हमने यहां पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। आप बहुत सारे बुक में देखिएगा तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस है। इसका, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, है ना। क्या मतलब हुआ, कहता है क्या कि स्क्रॉटम का क्या काम था, कि स्क्रॉटम क्या करता है, हमारे टेस्टिस का जहां पे स्पर्म बनता है, तो हमारे टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम रखता है। कौन, स्क्रॉटम। कितना कम रखता है भाई, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे अब रीजन उठता है, सर क्यों कम रखता है, व्हाई। ठीक है, चलिए मान लिए कि कम करता है, स्क्रॉटम का ये काम है कि ये बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को कम रखेगा। क्यों, इसलिए कम रखता है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कम रखता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाता है, और अगर होगा भी तो सही मात्रा में हो नहीं पाएगा, इसलिए ये उसके टेम्परेचर को कम रखता है। तो अगर बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम होगा, तो ऑटोमेटिक है कि स्पर्म आसानी से फॉर्म होगा, स्पर्म को बनने में ज़्यादा दिक्कत या ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है, चलिए इसको अब यहाँ ध्यान से देख लीजिए, स्क्रॉटम का हो गया ना ये। इसका एक और लाइन है स्क्रॉटम का, वो क्या है, देखिएगा, ये आपका पहला था, ये आपका था क्या दूसरा,
हम यहां पर देखते हैं तीसरा, यहीं पर देख लेते हैं आगे स्पेस है। तीसरा क्या है इसका, ये क्या करता है कि ये टेस्टिस को छोटे मोटे इंजरी से बचाता भी है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट टेस्टिस फ्रॉम स्मॉल इंजरी। मतलब हो गया कि ये टेस्टिस को छोटे मोटे इंजरी होने से भी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसे बचाएगा। ये तीनों फंक्शन आपके लिए हो गया, ये स्क्रॉटम क्लियर हो गया। स्क्रॉटम के बाद एक और आता है जो आपके एनसीईआरटी बुक में चर्चा किया गया है, लेकिन इस डायग्राम में, मतलब एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में भी उसे नहीं दिखाया गया है। लेकिन देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिशन की व्यू से थोड़ा सा देख लेते हैं। स्क्रॉटम के जस्ट बगल में एक मसल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टोस मसल। है ना, डाल्टोस मसल। तो डाल्टोस मसल आपको उतना ज्यादा जानना है, जानना जरूरी है, लेकिन बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं जिनको कॉम्पिटिशन में के लिए करना होगा वो इसको नोट कर लेंगे अपना। तो डाल्टोस मसल क्या करता है देखिएगा, डाल्टोस मसल क्या करता है देखिए, डाल्टोस मसल क्या करेगा उसको आप नोट कर लीजिएगा फट से पॉज करके, फिर आगे हम लोग यहां पे देखेंगे। तो ये देखिए, मान लीजिए ये आपका स्क्रॉटम हो गया, ये आपका क्या हो गया स्क्रॉटम, और इसके अंदर आपका हो गया क्या टेस्टिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर डाल्टोस मसल प्रेजेंट होता है इस दोनों के बीच में, ये बोर्ड के लिए कंपटीशन के लिए थोड़ा देख लीजिए। डाल्टोस मसल ये क्या करेगा, इस स्क्रॉटम को कभी ऊपर लेके जाएगा और कभी नीचे लेके आएगा। डाल्टोस मसल टेस्टिस को अप और डाउन, कभी ऊपर लेके जाएगा और कभी नीचे लेके आएगा, और इस तरह से करने से ये इसके टेम्परेचर को बढ़ने में और टेम्परेचर को घटने में हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग तो ये था आपका स्क्रॉटम हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं टेस्टिस पे, है ना, कि टेस्टिस का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस है क्या। देखिए हम लोगों ने देखा टेस्टिस किस तरह से था बना हुआ, यह आपका टेस्टिस हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं टेस्टिस, इसको हम लोग बोले थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये पहला पॉइंट था। तो हम ये भी बताए थे कि टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म वी कॉल्ड इट्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है इसीलिए हम लोग इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है, अब देखिए आगे। तो हमको ये पता चल गया ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है भाई, अब हम टेस्टिस की कहानी को देखते हैं। टेस्टिस क्या करता है, तो टेस्टिस के अंदर कुछ फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए आप इस डायग्राम को देखिएगा, हम बस बना दे रहे हैं, ये छोटा सा डायग्राम जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टेस्टिस हो गया आपका, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये येलो कलर वाला है ना, इसी येलो कलर वाले को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस डायग्राम को आप रफली बना लीजिएगा बगल में,
जो आपको हेल्प करेगा सेमिनी फेरस टिब्यूल। ठीक है, ध्यान से इस डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमिनी फेरस टिब्यूल। इस डायग्राम को थोड़ा हम बड़ा करके बना देते हैं आपके लिए फट से। देखिए देखिएगा, चलिए हमको येलो कलर वाले के बारे में पता है कि येलो कलर वाला क्या है, ये टेस्टिस है पूरा का पूरा, और ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है। वहाँ डायग्राम भी था और इस डायग्राम को मैं हैंड से बना रहा हूँ हाथ से, ताकि आपको आसानी हो समझने में पूरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में भी और बोर्ड में भी। देखिए टेस्टिस के अंदर ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इस रेड कलर वाले को बोलते हैं हम लोग सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये येलो कलर वाले को पता है, ये व्हाइट कलर का जो गोल गोल दिख रहा है ना, इस व्हाइट कलर वाले को बोलते हैं हम लोग रेटी टेस्टिस। ठीक है, और ये व्हाइट वाला ये जो लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वासा इफरेंसिया। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या होता है कि हमको पता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, ये हमको पता चल गया। अब हम जो ये डायग्राम के द्वारा जान रहे हैं, ये इसलिए जानने क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ एंड वेयर स्पर्म फॉर्म, इसके लिए हम ये जान रहे हैं स्पर्म कहां और कैसे बनता है ना, हाउ एंड वेयर स्पर्म फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, ये जो सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है ना रेड वाला, इस सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के ऊपर, इस सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल पे ये व्हाइट व्हाइट डॉट आपको दिख रहा होगा, इस व्हाइट व्हाइट डॉट को हम लोग बोलते हैं जर्म सेल, मेल जर्म सेल, या इसका दूसरा भी एक नाम दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब देखिए तो ये मेल जर्म सेल जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल के ऊपर। इसका क्या काम होता है, अब कैसे स्पर्म बनता है सो देखिए, कहता है अप्रॉक्स 14th एज में, जब 14 वर्ष पूरा होता है, वासा इफरेंसिया होता क्या है, एट द एज ऑफ 14th, जैसे ही 14th एज होता है हमारा, 14 से 16 वर्ष की आयु जैसे ही पहुंचती है, उसी वक्त ध्यान से देखिएगा, हम लोग जान रहे हैं कि कैसे स्पर्म बनता है, वही हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और कहां बनता है। तो कह रहा है क्या, 14 वर्ष के एज में है ना, जैसे ही हमारा 14 वर्ष पूरा होगा, किसी व्यक्ति का, किसी मेल का, किसी लड़के का, किसी बॉय का 14th एज जैसे ही पूरा होता है, उसी वक्त FSH हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन का, FSH हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और वो जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है,
पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है FSH, ठीक है। क्लियर है। 14 वर्ष की एज में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन हुआ जिस हार्मोन का नाम था FSH। इसका पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखिएगा, अभी इसको नोट नहीं करना, आपके पास ही रहेगा, आराम से आप नोट कीजिए, पहले समझिए। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इसका नाम ही है स्टिमुलेटिंग, ये स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा मेल जर्म सेल को, तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको, मेल जर्म सेल को ये कर देगा स्टिमुलेट। अब जैसे ही मेल जर्म सेल स्टिमुलेट होगा वैसे ही मेल जर्म सेल कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, स्पर्म, ठीक है। देखिए क्या हुआ, 14 वर्ष की एज में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन का सिक्रेशन हुआ जिस हार्मोन का नाम क्या था, FSH। ये कंपटीशन का है, ये क्वेश्चन पूछता है कि FSH हार्मोन का सिक्रेशन कौन से ग्लैंड से हुआ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हुआ। किस एज में हुआ, 14th एज में हुआ। अब ये हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, मेल जर्म सेल को। मेल जर्म सेल को जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा उसी तरह से मेल जर्म सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म में। क्लियर। तो हमको ये पता चल गया कि स्पर्म कैसे बनता है, ये क्लियर हो गया, हाउ स्पर्म फॉर्म पता चल गया। अब देखेंगे कहाँ बनता है, तो अब देखिए ध्यान से, ये मेल जर्म सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए तो ये हार्मोन पे है ना, ये सब कहाँ पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये मेल जर्म सेल स्पर्म में कन्वर्ट होगा वैसे ही ये कहाँ पे आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये भी हमको पता चल गया कि स्पर्म कैसे बना और कहाँ बना, तो स्पर्म सबसे पहले कहाँ पे बन के आया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जैसे ही स्पर्म आया उस वक्त स्पर्म किस अवस्था में था, नॉन मोटाइल, देखेंगे ध्यान से, इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से, हम लोग आगे तुरंत अभी देखते हैं। यहां तक क्लियर है ना, ये स्पर्म कैसे बना, स्पर्म बन गया, स्पर्म कहां पे बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग, चलिए स्पर्म फॉर्म इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त स्पर्म नॉन मोटाइल था, इस वक्त स्पर्म आर नॉन मोटाइल एंड स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। मतलब नॉन मोटाइल का मतलब हो गया कि जो खुद से चल नहीं सकता है, जो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मोटाइल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ उस वक्त स्पर्म नॉन मोटाइल था और स्फेरिकल था। स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया, गोल शेप का था, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब हम उस डायग्राम को देखेंगे ध्यान से,
ठीक है, तो हम स्पर्म कहाँ बना, सेमिनी फेस्टिब्यूल के अंदर। तब देखिए सेमिनी फेस्टिब्यूल से होते हुए स्पर्म कहाँ पहुँचा, इस गोल वाले को हम लोग बोल रहे थे रेटी टेस्टिस। तो सेमिनी फेस्टिब्यूल से स्पर्म कहाँ पहुँच गया, सेमिनी फेस्टिब्यूल के बाद स्पर्म कहाँ पहुँचा, रेटी टेस्टिस के पास, है ना। ये रेटी टेस्टिस था आपका, और इस रेटी टेस्टिस से आप देखिएगा डायग्राम को, एक जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं वासा इफरेंसिया, हमने लिखा है जस्ट पहले वाले डायग्राम। तो अब देखिए रेटी टेस्टिस के बाद स्पर्म कहाँ पहुँचा, वासा इफरेंसिया में। देखिए वासा इफरेंसिया का भी कोई वैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, वासा इफरेंसिया बस स्पर्म को कैरी करता है, और स्पर्म को कैरी करके ये आगे पहुंचा देता है। आगे कहाँ पहुंचाएगा अभी देखेंगे, ये आगे पहुंचाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है अभी हम बताएंगे, और जस्ट इसके बाद होता है ये, इसको बोलते हैं हम लोग इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस देखिएगा, वासा इफरेंसिया के बाद स्पर्म कहां पहुंचा, इपी डिडाइमस में। ठीक है, वासा इफरेंसिया के बाद, ये वासा इफरेंसिया है आपका, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया के बाद स्पर्म कहां पहुंचा, इपी डिडाइमस में। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए किसी रीजन से, सपोज कोई दूसरे रीजन से वासा इफरेंसिया खराब हो जाए, किसी रीजन से वासा इफरेंसिया खराब हो जाए, ये पूछा गया है नीट में भी और एआईपीएमटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसी रीजन से वासा इफरेंसिया खराब हो जाए तो स्पर्म कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, और उसका ऑप्शन था रेटी टेस्टिस से इपीडिडाइमस। ठीक है, स्पर्म कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, रेटी टेस्टिस से इपीडिडाइमस, या आप ये भी बोल सकते हैं टेस्टिस से इपीडिडाइमस। ठीक है, अब देखिए वासा इफरेंसिया से स्पर्म कहाँ पे आ गया, इपीडिडाइमस में। इपीडिडाइमस में जब स्पर्म आएगा तब यहाँ पर स्पर्म अपने आप को तैयार करता है, स्पर्म अपने आप को तैयार करेगा, फुल्ली मैच्योर करेगा, कहाँ पे, इपीडिडाइमस में। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग पढ़े थे कि स्पर्म जब बना था तो उस वक्त नॉन मोटाइल था, अपने से वो चल नहीं सकता था, लेकिन जब स्पर्म यहाँ पहुँचा तो स्पर्म क्या बन गया, इट बिकम्स मोटाइल। स्पर्म क्या बन गया, यहाँ पे मोटाइल बन गया, और अब वो तैयार हो गया है खुद से सर्वाइव करने के लिए, अब उसमें स्ट्रेंथ आ गया है। ठीक है, अब देखते हम लोग, तो इपीडिडाइमस में हो गया, इपीडिडाइमस के बाद वो स्पर्म कहाँ पहुंचा, यहां पहुंचा भाई मेरे, इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। है ना, इसका मतलब हो गया इपीडिडाइमस के बाद स्पर्म कहां पहुंचा, वास डिफरेंस में। याद रखेंगे एक चीज को यहां पे, कि वास डिफरेंस को अगर हम कट कर देते हैं, अगर वास डिफरेंस को हम कट करते हैं तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वी ए एस ई सी टी ओ एम वाई, वैसेक्टोमी का मतलब हुआ काटना। तो जैसे ही हम वास डिफरेंस को काटेंगे तो उसको बोला जाएगा वैसेक्टोमी। इसका मतलब हम लोग लोकल लैंग्वेज में नसबंदी भी बोलते हैं, नसबंदी, है ना, नसबंदी जो बोला जाता है गाँव में, इसी को बोला जाता है वैसेक्टोमी को। तो वास डिफरेंस को काटेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैसेक्टोमी मेल में होता है कि फीमेल में, तो बोलेंगे भैया मेल में होता है, है ना। तो वैसेक्टोमी किसको बोलते हैं, बोलेंगे क्या, जब हम लोग वास डिफरेंस को कट कर देंगे, क्योंकि वास डिफरेंस ही स्पर्म को लेके जाता है, तो अगर हम वास डिफरेंस को कट कर देंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वैसेक्टोमी। ठीक है, अब देखिए ये वास डिफरेंस हो गया आपका। अब वास डिफरेंस के बाद
है ना, वो आपका हो गया क्या, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद यहां पर प्रेजेंट होता है एम्पुला, एम्पुला, AMPULA, एम्पुला। एम्पुला का वैसे कोई ज्यादा रोल नहीं है, एक्चुअली होता क्या है, एम्पुला थोड़ा सा स्वेलो पार्ट होता है, फुला हुआ। तो यहां पर जब स्पर्म आता है तो थोड़ा टाइम लेता है स्पर्म अपने आप को आगे पहुंचाने में, इसलिए लगता है यहां पर स्पर्म कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्पर्म एम्पुला का जो स्ट्रक्चर है वो हल्का स्वेलो होता है, थोड़ा फुला हुआ होता है, तो स्पर्म वहां पर थोड़े देर के लिए कैरी करता है अपने आप को, टाइम लगता है। एम्पुला के बाद देखिएगा, एम्पुला के बाद जो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, सो देखिए, इसका मतलब हो गया वास डिफरेंस के बाद स्पर्म कहां पहुंचा होगा, एम्पुला में, ठीक है, एम्पुला के बाद कहां पहुंचा, सेमिनल वेसिकल में, है ना। देखिए सेमिनल वेसिकल में क्या होता है हम देखेंगे, सेमिनल वेसिकल के बाद इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए फट से, सेमिनल वेसिकल था ना, सेमिनल वेसिकल के बाद स्पर्म आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ेगा वैसे ही यहां पर प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो स्पर्म सेमिनल वेसिकल के बाद कहां पहुंचा, प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बाद यहां पर प्रेजेंट होता है कॉपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद स्पर्म कहां पहुंचा होगा, कॉपर्स ग्लैंड में, और कॉपर्स ग्लैंड के बाद फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक, इस रास्ते को बोलते हैं हम लोग यूरोजेनाइटल, यहां से फिर क्या हो जाता है, आउट। ये आपका पूरा डायग्राम भी तैयार हो गया, एकदम रफ डायग्राम, इसको आराम से आप ध्यान रख सकते हैं, देखेंगे फिर से हम लोग एक बार ध्यान दे रहे हैं। स्पर्म रेटी टेस्टिस में आया, रेटी टेस्टिस से कहां गया, वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से कहां पहुंचा, ईपी डिडाइमस में। तो ईपी डिडाइमस में स्पर्म अपने आप को पहली बार, स्पर्म अपने आप को मैच्योर किया और स्पर्म क्या हो गया, मोटाइल हो गया, कहां पे, ईपी डिडाइमस में। और ईपी डिडाइमस से पहले स्पर्म नॉन मोटाइल था, तो जैसे ही स्पर्म यहां पे मोटाइल हुआ, स्पर्म फिर ईपी डिडाइमस से कहां पहुंचा, वास डिफरेंस में, ये येलो वाला वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस को हम लोग काटे तो उसको हम लोग क्या बोले थे, वैसेक्टोमी। वास डिफरेंस से फिर स्पर्म कहाँ पहुंचा, एम्पुला में। एम्पुला का कोई ज्यादा रोल नहीं था क्योंकि एम्पुला एक स्वेलो पार्ट था, है ना, जहां पे स्पर्म को टाइम लगता था बाहर निकलने में। एम्पुला के बाद कहाँ पे पहुंचे, सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में अब देखिए क्या था, फिर सेमिनल वेसिकल के बाद हम लोग कहाँ पे आया स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद कॉपर्स ग्लैंड, और कॉपर्स ग्लैंड के बाद बाहर। तो सेमिनल वेसिकल का देखते हैं क्या होता है। सेमिनल वेसिकल में यहाँ पे
स्पर्म के साथ फ्रुक्टोज मिलता है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मिक्स हो जाता है सेमिनल वेसिकल में। वैसे और भी चीज़ मिक्स होते हैं सब में, लेकिन आपको बोर्ड के लिए देखना है, कंपटीशन के लिए भी है लेकिन बोर्ड के लिए ज़्यादातर है, इसलिए सेमिनल वेसिकल में फ्रुक्टोज का मिक्सअप होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर स्पर्म आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में आने के बाद यहाँ पर जो है सिट्रिक एसिड, एसिडिक फॉस्फेटेज मिक्स होता है जो एक्टिव बनाता है स्पर्म को। ये स्पर्म को क्या करता है, एक्टिव बनाता है, और ये म्यूकस का प्रोवाइड करता है, ये म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, म्यूकस को मिक्स करता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल में क्या मिला, फ्रुक्टोज। देखिए एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया, बोर्ड में वैसे नहीं पूछा गया है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी फीमेल का, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन हमने आगे भी दे रखा है, अगर किसी फीमेल का रेप केस होता है ना, जैसे रेप केस होता है तो डॉक्टर के पास अगर जब वो फीमेल पहुंचती है रेप का जांच करवाने के लिए, रेप का पता करने के लिए, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि ये जो रेप केस है ये सही है या नहीं, ये जो रेप हुआ है ये सही है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या जांच करते हैं, तो ये जो फ्रुक्टोज है जो सेमिनल वेसिकल में मिला था, यहाँ पे फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज केवल और केवल मेल के स्पर्म में प्रेजेंट रहता है। फ्रुक्टोज इज ओनली प्रेजेंट इन द स्पर्म ऑफ मेल, केवल मेल के केस में ही फ्रुक्टोज प्रेजेंट होगा। तो अब अगर रेप केस हुआ होगा तो ये फ्रुक्टोज का कुछ मात्रा फीमेल के वेजाइना में भी पाया जाएगा, और अगर फ्रुक्टोज वहाँ पाया गया इसका मतलब सेक्सुअल वर्क हुआ है, इसका मतलब रेप केस सही है, ठीक है। तो यही रीजन है, चलिए आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिएगा सुन सुन करके धीरे धीरे, ये आपका क्लियर हो गया। ये यूरोजेनाइटल ट्रैक है, यूरो का मतलब होता है यूरिन, यूरिन, जेनाइटल का मतलब स्पर्म, गैमेट्स, ट्रैक का मतलब रास्ता, ऐसा रास्ता जो यूरिन और स्पर्म दोनों को बाहर निकालता हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जब यूरिन आएगा उस वक्त स्पर्म नहीं आ पाएगा, और जब स्पर्म आएगा तो फिर यूरिन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें और भी डीपली है, कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए इतना है, क्योंकि फिर कंपटीशन के लिए हमें यह भी बताना पड़ता, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हमने जाना है ना कि स्पर्म कहाँ बनता है, कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन टेस्टिस का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी तरह के डायग्राम आएंगे, और आपको पहचानना होगा ए बी सी डी जो भी लिखा हुआ रहेगा। हम लोग देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इस पर, ये सर्टोली सेल है ना, ये सर्टोली सेल भाई, देखिए ये इसी डायग्राम को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो व्हाइट कलर का मैंने बना रखा है, इसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल और लिडिक सेल। ध्यान दीजिएगा एकदम, इंटरस्टीशियल सेल और क्या बोलते हैं, लिडिक सेल, देखिए है ना, इंटरस्टीशियल सेल और लिडिक सेल। होता क्या है इसका काम, इंटरस्टीशियल सेल और लिडिक सेल का, ये एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंटरस्टीशियल सेल और लिडिक सेल एक हार्मोन को सिक्रेट करता है जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन या इसको हम लोग एंड्रोजन भी कहते हैं। एपीएमटी के एग्जामिनेशन में और नीट के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड्रोजन का जो सिक्रेशन है वो कौन से सेल से होता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए एंड्रोजन क्या है।
तो याद रखिएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सबको मालूम है, तो याद रखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम है एंड्रोजन, और इस हार्मोन को सिक्रेट करने का काम किसका होता है? इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल का काम, इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल का काम है ना। ये क्या करेगा, एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन को सिक्रेट करता है, और ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा मेल के केस में, तो दाढ़ी का आना है ना, गुस्सा आना, देखिए दो तीन कैरेक्टर है, जैसे अपने आप को हीरो बनना नहीं देखते हैं, जैसे कि जब कोई लड़का बड़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ गया है ना, मतलब गुस्सा का आना, थोड़ा हीरो बनना है ना, दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, ये सारा चीज़ जो है सिक्रेशन शुरू हो जाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे ही एक्टिवेट होगा तो उससे यही फायदा होगा, आवाज़ का भारी होना है ना, बाहर के काम काजों में इंटरेस्ट रखना, थोड़ा सा माइंड खुलेगा है ना पढ़ाई के मामले में। यहाँ पे ये क्लियर हो गया, अब देखते हैं कहता है क्या, हम देखेंगे यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा भाई? एक टेस्टिस में जो है ना, जैसे टेस्टिस एक पेयर होता है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस दो होता है मेल में प्रेजेंट, तो एक टेस्टिस में टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 600 से 700 के आसपास होता है, अप्रॉक्स 600 टू 700। देखिए ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 600 से 700 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अप्रॉक्स एक टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। तो दो दो टेस्टिस होता है, तो दोनों टेस्टिस को मिला करके 1200 से 1400 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक मेल में पाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग फिलहाल एक ही टेस्टिस की बात कर रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल पाया जाता है, यहाँ पे ये है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल पाया जाता है, सर्टोली सेल, इसको एक और नाम से जानते हैं, नर्स सेल के नाम से। यह भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है कि नर्स सेल के नाम से कौन किसको जानते हैं, तो सर्टोली सेल को है ना। इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग नर्स सेल इसलिए बोलते हैं, इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। इसको हम लोग नर्स सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट का मतलब हो गया उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो रहा है स्पर्म तो उसको ठीक करेगा, उसको मजबूत करेगा। नर्स का काम कैसे करता है, दवाई देना, पानी देना है ना, थोड़ा सा उसको अच्छे से बात करना, ठीक है, वही काम कौन करता है, नर्स सेल या सर्टोली सेल। ठीक है, उसके बाद ये सब का कोई ऐसा जरूरत है नहीं, हम लोग पढ़ेंगे है ना जर्मन एपिथेलियम के बारे में आगे। ये क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक, देखिएगा एक हार्मोन भी होता है जिसका नाम है इनहिबिन हार्मोन। ये क्या करता है ना, इनहिबिट देखिए क्या करता है, ये इनहिबिन हार्मोन ये क्या करेगा कि बहुत ज्यादा एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन ना हो जाए, इसके लिए ये हार्मोन काम करता है। अगर एफएसएच हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगेगा उसे इनहिबिट करेगा, उसे रोक देगा ताकि ज्यादा एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन ना हो पाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो इसके वजह से क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा,
एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर हेल्थ, हम लोग को पता है पहले से ही, इसीलिए ये काम करता है, ठीक है। ऐसे मुलेरियन इनहिबिटिंग डक्ट भी होता है, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन के लिए, बोर्ड के लिए, ये क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलिए यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं हम लोग देख चुके हैं, और वो क्यों जरूरी है ताकि जनरेशन को मेंटेन किया जा सके, इसको आपको बनाना है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को बना के आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, अभी अभी हमने देखा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस को एक्सप्लेन करना है, उसका आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद उसको आप एक्सप्लेन करेंगे उसके इंटरस्टिशियल सेल को, लिडिक सेल को, वह कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है, उस हार्मोन का क्या नाम है ना, उस हार्मोन का क्या फंक्शन है, वो हार्मोन कब सिक्रेट होता है, तो अप्रॉक्स 14 टू 16 एज में। ड्यूरिंग अ रेप केस हाउ डॉक्टर कैन फाइंड रेप इज ट्रू और रॉन्ग, अभी हमने देखा है ना कि अगर रेप केस होता है तो डॉक्टर कैसे पता करेगा, तो डॉक्टर को पता करने का क्या तरीका है, वो चेक करेगा कि फीमेल के वेजाइना में फ्रुक्टोज पाया जाता है या नहीं, फ्रुक्टोज है कि नहीं, अगर फ्रुक्टोज है देन द केस इज ट्रू। अगला है डिफाइन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल का फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया, उसको हम लोग देखेंगे है ना, और भी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को इस चीज़ों को बनाना है, ठीक है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया आपको। मैं देखिए थोड़ा सा और एक बात बता दूं कि कुछ बच्चे लोगों का जो कहना था अक्सर जूम ऐप पे कीजिए, तो देखो बाबू थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा या करना पड़ रहा होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको टोटल चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इस पर पढ़ा दिया जाएगा। जूम ऐप पे थोड़ा प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर पाने में, क्योंकि पहले नोट्स को भेजिए फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, वो सही तरीके नहीं है, इसलिए इस द्वारा से आप आसानी से हर चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन में या किसी पॉइंट में दिक्कत है, तो आप कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा सा एनसीईआरटी में अगर थोड़ा दिया होगा तो वो कॉम्पिटिशन के लिए, आपको एकदम हिचकिचाना नहीं है, बोर्ड के लिए ये सारा चीज़ सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछने नहीं जा रहा है। कॉम्पिटिशन के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ को मैंने बता दिया है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा जानबूझ के बिकॉज टाइम का लैकिंग है। खैर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो अगला टॉपिक होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो वीडियो है ये आपको हर एक अल्टरनेट के बाद आएगा, मतलब कल छोड़ के परसों, ठीक है। आप इसको आराम से देखिए, 2 से 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, रटने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।